सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं नाइट्रोजन। तो बेसिकली आज मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने। सो ये कुछ ट्रायल वीडियोस है, आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, सो देखते क्या होता है। सो आज जा रहा हूँ बाल कटवाने। अभी ज़्यादा दाढ़ी वाड़ी ज़्यादा हो गए तो दिक्कत हो रही है भाई गर्मी में रहने में, क्योंकि पढ़ाई भी करना पड़ता है। तो उधर से भाई बिजली भी नहीं रहती तो ज़्यादा गर्मी लगती है, और ऊपर से मैं चल भी नहीं पा रहा। स्क्वाट ज़्यादा भारी पड़ गए भाई, ओवरडोज नहीं करना चाहिए था। अब तो मेरे लिए दिक्कत हो गया चलने में भाई, क्या ही बोले, बहुत दर्द हो रहा है। स्क्वाट्स ज़्यादा मारना सेहत के लिए हानिकारक होता है, पर क्या करें, नो पेन नो गेन। सो करते हैं, एंड अभी जा रहा हूँ मैं जिस सलून से कटवाता हूँ, मतलब वो मेरा एक भाई कह सकते हो, सो उससे ही मैं कटवाता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि हाउ आई वॉन्ट टू कट माई हेयर। सो उसको सब कुछ पता है, इसीलिए जा रहा हूँ। सो देखते हैं, बेसिकली अभी क्या बताएं, अभी चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह जाना है, इसके बाद ऑटो रिक्शा पकड़ना है, फिर जाना है उसके पास, फिर कटवाना है। मैंने उसको बोला है कि अगर और कोई भी है तो फिर मेरा नंबर रखना, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। तो उसने कहा आ जाओ जल्दी से, देर मत करो। भाई क्या दिन आ गया, अभी मेरे को उससे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि उसको भी टाइम नहीं मिलता और मैं किसी और से कटवाता नहीं। सो बेसिकली लेट मी शो यू समथिंग रियल क्विक। सो बेसिकली ये वो वाला स्कूल है जहाँ पे मेरा जो बहन है उसने पढ़ाई कंप्लीट किया था, आई गेस 5 तक। इसके बाद मैं जिस स्कूल पे पढ़ाई किया था, मैंने सीनियर बेसिक स्कूल था, उस पर वो शिफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पे 5 तक, क्लास 5 तक पढ़ाई होती है, और ये मेरे घर के पास ही पढ़ता है, मतलब घर के पास ही है। और ये है वो जो आंगनवाड़ी कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, बट समथिंग जो केजी होता है ना, इंग्लिश मीडियम पे केजी होता है, ऐसे बंगाली में ऐसे होते हैं। सो ये दूसरा, ये पहला, और ये तो अपना दोस्त, और ये रहा अपना रास्ते, जो भाई कट जाएंगे हंसते हंसते। सबसे कह रहा हूँ कि भाई मेरा करवा दे यार, उसको भाई फुर्सत नहीं मिलता, तो आज जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये मुस्ताच बहुत दिक्कत करती है, ये जो मूछे होते हैं भाई, ये लड़कों के मामले में, मतलब लड़कों के बाद दूसरे कैसे समझ पाएंगे, जिनका है वही समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत होती है। अभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिन लोगों का ज़्यादा है वो लोग कैसे रख पाते हैं, कैसे सहन कर पाते हैं, मेरे से तो नहीं हो पाता। और बेसिकली शायद से वो ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं, पर अभी मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, अभी मेरे लिए कुछ और ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए इन सब चीज़ों पे ज़्यादा दिक्कत, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देता मैं। सो बेसिकली इसलिए मैं इनको कट डाउन करने वाला हूँ एंड सी कि नेक्स्ट पे क्या होता है। दूसरा और एक बंदा जो कहाँ से पता नहीं किधर से आ गया, ब्लॉगिंग करा चुकी है, मुंह तो दिखा दे अपना अच्छे से। ये भी एक यूट्यूबर है, मतलब ये शॉर्ट्स वगैरह बनाता है। इफ यू वांट मी देन आई वुड पुट हिज लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। और ये पता नहीं कहाँ से है। मीटू एफएफ। अच्छा, कहाँ गया था तू? इधर मार्केट। क्यों? ऐसे ही घूमने के लिए। सच बता कहाँ गया था? हाँ घूमने के लिए, मरवाने गया था शायद से। तो तू कब से शुरू कर रहा है अपना ये ब्लॉगिंग वगैरह, कब? पता नहीं, जल्दी कर ले नहीं तो नहीं हो पाएगा। सच में कहाँ गया था? मार्केट। किस लिए? ऐसे ही। कोई रीजन तो होगा? कुछ भी नहीं। चल तो बेसिकली वो लोग जा रहे हैं, मतलब वो जा रहा है और अपना जा रहा नहीं, तो अभी देखते हैं। अभी आ गया वो रोड पे, बस मेरा भाई आता ही होगा, इसके बाद चलते हैं और जाके उससे बात करना है कि भाई अभी से अपॉइंटमेंट क्या ज़्यादा हो गया, बुकिंग्स जो हमें टाइम नहीं दे पा रहे हो। सो देखते क्या होता है बेसिकली, और हमारे रास्ते दिखाता हूँ, बस ध्यान से देखना, ठीक है? सो ये देखो हमारे रास्ते, ये शायद से 5-6 महीने हुए होंगे इसको बनाए हुए, और इसका हालत तो देखो। और बेसिकली गाँव में रहते हैं ना तो रास्ते ऐसे ही होते हैं गाँव में, बट हरियाली बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर हरियाली देखने को मिलता है। वही भाई, अगर गांव में रह रही हो तो फिर जो खूबसूरती है ना गांव की, मतलब नेचर ब्यूटी जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर ये रास्ते वगैरह, ये जो रोड वगैरह, वो कच्चे बहुत मिलेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा कच्चा। अगर बारिश थोड़ा सा हो जाए तो फिर भाई तुम निकल नहीं पाओगे घर से, ऐसे रास्ते हैं हमारे इधर, क्या ही बोले। जैसे कि इस जगह पर तुम देख सकते हो, और ये हम चल रहे हैं सैंडल्स लेके, गरीब इंसान, तो ये देख सकते हो आप कितना सुंदर है, ठीक है ना, पूरा बहुत ही अच्छा है। बट वही रास्ते देख सकते हो, थोड़ा सा बारिश हो गया तुम निकल नहीं पाओगे इधर से।
और बेसिकली इधर से कच्चा रोड ख़त्म होता है इधर पे आके, और ये रहा हमारा मेन रोड जिसे कहते हैं, आप देख सकते हो। तो इधर से हमें अगर कहीं भी जाना होता है तो गाड़ी लेना पड़ता है, इसके बाद निकलते हैं, क्योंकि स्टिल एट आई डोंट हैव एनी टू व्हीलर और एनी काइंड ऑफ व्हीकल, सो आई हैव टू टेक वन टू गो समवेयर वेयर एवर आई वॉन्ट कैन सी। और बेसिकली मैं भूल गया था बताना कि हमारे इधर पे कल से बिजली नहीं है, मतलब वोल्टेज नहीं है उसका, रात ख़राब हो गया तो सारा रात मैं सो नहीं पाया, इसलिए आँख वक्त सूज गए पूरा देख सकते हो। सो वही, और मैं दिखाता हूँ, मतलब ट्रांसफार्मर गया है अभी, कौन सा वाला पता नहीं, उन्होंने कहा है कि ऑफिस से जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर गया है, सो आई डोंट नो विच वन, मे बी दिस वन यू कैन सी ओवर हियर, हियर इज अ ट्रांसफार्मर, सो ये भी हो सकता है आई गेस, या फिर कोई और भी हो सकता है। सो बेसिकली ये मेरा स्कूल है, मतलब अब स्कूल बोल रहा हूँ, ये मेरा कॉलेज है जिसपे मैंने पढ़ाई किया था, जो ये रहा मेरा कॉमर्स का एकेडमिक ब्लॉक 2, ये कॉमर्स का है, और इधर भी इग्नो भी सेम इधर ही होता है, सो यही वो कॉलेज जिसमें मैंने पढ़ाई किया था। अभी अच्छे से दिखाई नहीं दिया मैंने, मतलब दिखा नहीं पाया अच्छे से, बट आई होप कि जब मैं घर लौटूंगा अभी तब मैं दिखा पाऊंगा इसको अच्छे से। सो अभी हम जा रहे हैं, मतलब हो गया सब कुछ, मेरे को मिल गया और मेरा भाई भी आ गया, तो अभी जा रहे हैं, पहले बाल कटवा लेते हैं इसके बाद आगे का हिस्सा बात करते हैं, सो चलते हैं अभी। और ये रहा एक पार्क जो कॉलेज पार्क नाम से जाना जाता है, लायंस चिल्ड्रन पार्क, इसमें ये चिल्ड्रन का पार्क था पर अभी कपल पार्क हो गया है क्या ही बोले, हालात ऐसा ही है। अभी मैं इसको तो अंदर से दिखा नहीं पाऊंगा, बट हियर इज एंट्रेंस और आप इधर से जा सकते हो। दिस इज बेसिकली द स्कूल जिसमें मैंने पढ़ाई किया था, मतलब क्लास 2 कंप्लीट किया था मैंने, इसका नाम है DNB स्कूल। इसके साथ बहुत सारे मेरे जो मेमोरीज है ना, सब कुछ बहुत सारे इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इससे ही मैंने BCom कंप्लीट किया था, मतलब 12th BCom जो लिया था मैंने उससे ही लिया था, कॉमर्स पे मैंने 12th पे उस पर ही पढ़ाई किया था। बेसिकली वी हैव जस्ट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, सो इन फ्रंट अभी मेरे को बस अंदर घुसना है और पहुँच चुका हूँ मैं जहाँ पे मेरे को बाल कटवाना है सैलून के सामने, मैं दिखाता हूँ आपको और उससे भी मिलवाता हूँ, मतलब जो सेट करवाता है मेरा बाल हमेशा। सो देख, सो बेसिकली ये है वो वाला सैलून, आई नो इट्स नॉट सो बिग, बट अंदर जो बंदा है ना, जो मतलब जो बंदा अंदर बैठा है जो काम करता है वो बहुत अच्छे से करता है, उसको बहुत अच्छे से काम आता है, एंड आई होप अभी इसके पास इतना बड़ा कुछ नहीं है बट ही विल अचीव समथिंग बिगर इन द नियर फ्यूचर, वी कैन जस्ट होप फॉर इट, जस्ट विश कर सकते कि उसका काम और भी बड़ा हो, और आई होप कि उसका बड़ा होगा क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस, उसके साथ आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सो बेसिकली ये उसका सैलून और ये वो बंदा जिससे मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अभी वो किसी और से बात कर रहा है आई गेस, और यही है जिससे मेरे को जो मेरा बाल सेट करवाता है हमेशा, और इससे अभी मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है क्योंकि इसके पास टाइम ही नहीं रहता ज़्यादा, और मैं इसके अलावा और किसी से कटवाता भी नहीं हूँ क्योंकि इसको सब कुछ पता होता है। सो बेसिकली यही वो बंदा।
सो बेसिकली हो गया खत्म। सो टाटा ब्रो, टाटा, चलते हैं। सो फिर से नेक्स्ट मंथ आई गेस हो जाएगा, तब आएंगे फिर से। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। सो बेसिकली अभी हो गया हमारा खत्म, मतलब जितना करना था बेसिकली मैंने पूरा बाल इसको छोटा करवा दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए पूरा छोटा करवा दिया। और बेसिकली आप देख सकते हो कैसा हुआ है। सो अभी घर जा रहे हैं, घर जाके नहाना भी है, फिर और एक मेरा एक छोटा भाई आएगा उसको भी पढ़ाना है। सो चलते हैं अभी सीधा घर चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। सो बाय। इसीलिए अभी तो मैं आ गया था, तो मेरे को याद आया कि शैम्पू भी चाहिए कंडीशनिंग करने के लिए। सो ये है मेरे एक अंकल, जिनके पास से मैं हमेशा चीज़ें लेता हूँ जो मेरे ज़रूरतमंद चीज़ें होते हैं, और ये वही है जो मेरे को हमेशा हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं। तो अभी शैम्पू ले लेता हूँ क्योंकि ज़रूरत है उसका। तो इसके बाद घर चलते हैं। बेसिकली बैक होम। सो अभी जाऊँगा, और हमारे यहाँ पे एक रिचुअल्स है, जब तक मैं नहाऊँगा नहीं, अगर तुम बाल कटवा के आते हो तो मम्मी कहती है जब तक तुम नहाओगे नहीं तब तक घर के अंदर तुम घुस नहीं पाओगे। सो आई कांट एंटर द रूम अंटिल आई फिनिश माई अंटिल आई टेक माई बाथ, आई गेस टेक माई शावर। सो पहले मुझे नहाना होगा, इसके बाद मैं घर के अंदर घुस पाऊँगा। सो अभी बस नहा लेता हूँ, इतना ही, सब काम ख़त्म। वैसे अभी मैंने एक नया शैम्पू लाया है जो ये डाब वाला, मैं यूज़ नहीं करता अभी क्योंकि मेरा हेयर फॉल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैं यूज़ करना बंद कर दिया था मैंने। पहले मैं डाब के बड़े बड़े जो सेशे आते थे और बड़े बड़े जो डिब्बे आते ना, बड़े बड़े जो आते हैं 1 लीटर वगैरह, वो यूज़ करता था, पर हेयर फॉल ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसके लिए मैंने इसको बंद कर दिया था यूज़ करना। बट टुडे आई हैव टू यूज़ इट, बिकॉज मैंने अभी बाल कटवाया है, तो उसके लिए शैम्पू यूज़ करना ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी चलता हूँ मैं, पहले नहा लेता हूँ, ड्रेस वेस चेंज करके नहा के आता हूँ।